बड़े सब रेडी 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 सब रेडी है ना? ये सेंटर लुक है, सबको सेटल हो जाने दो। हां सेंटर के कैमरे में देखो, रेडी? हां चलो रिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है आपके यहां से, फंक्शन कुछ होना चाहिए। जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हो रहा है, मैं बड़ी होगी कि अरे बाप रे, सबके सामने केक काटना पड़ेगा। मैं दूर भागती हूँ केक काटने से, लेकिन जब से मेरी लाइफ में मेरे पति आए हैं, उनके लिए मेरा बर्थडे एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, तो वो इतने केक कटवाते हैं मुझसे, बार बार कटवाते हैं, और एक हफ्ते तक मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होता ही रहता है। और उसके बाद ये आज सेट पर हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा लगा अरे बाप रे ये भी, बट हाँ खुशी भी हुई, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि सब कितना प्यार करते हैं मुझसे और मेरे साथ मेरा ये जो खुशी वाला दिन है वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मेरी बहुत ही बढ़िया टीम है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो अच्छा है, ये एक अच्छी फीलिंग ही है। सो या आई एम हैप्पी, फील गुड है। बर्थडे गिफ्ट में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे गिफ्ट, तो क्या क्या आपको? मैं हम सब इतने बेशरम हैं, मेरे दोस्त तो मुझे कभी गिफ्ट देते ही नहीं है, तो मैं भी नहीं देती उनको गिफ्ट। सो हमारे बॉम्बे में आई थिंक ये रिवाज ही नहीं है गिफ्ट विफ्ट का, हम सब बहुत ऐसे मस्त मुंह उठा के चले जाते हैं पार्टीज वार्टीज में, हम गिफ्ट विफ्ट में बिलीव नहीं करते। सबका प्यार ही मेरे लिए बहुत कुछ है, यू नो, जब मैं उनसे गाली दे के बात करूँ तो वो मुझे और प्यार दे, जो हम दोस्ती यारी में बात करते हैं वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। और इस बार कुछ है जो मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली मेरे लिए प्लान किया है, जो मैं बहुत टाइम से चाह रही हूँ। जब वो चीज़ हो जाएगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी, बट है कुछ है। मैं सबसे बड़ा गिफ्ट, आई थिंक बड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक ऐसा गिफ्ट जो मैं हमेशा से चाहती थी कि हो मेरे पास, वो कुछ। काम्या जो बिग बॉस की बात करे हाल ही में, मैं बिग बॉस की बात नहीं करूंगी, इट्स माय बर्थडे। विनर अभी ग्रैंड फिनाले होते हैं, इट्स माय बर्थडे। जैसे कि आपका सीरियल बहुत पसंद किया जा रहा है और बहुत लोगों को मतलब शक्ति में आपको देखा है, फिर ये भी बहुत कुछ अलग हटके कैसा फील होता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है जब लोग अभी भी वैसी सेम क्रेज से आपको पसंद करते हैं? मैं जब मैंने ये सुना था ये रोल, और जब मुझे पता चला था कि ये कैसी है विदुन, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 6 साल मैंने शक्ति किया, वहाँ मैं प्रीतो थी, और प्रीतो एक आपको सबको ही पता है कि कैसा कैरेक्टर था, और प्रीतो के बाद पता नहीं मुझे एक पंजाबी और इतना लव कैरेक्टर के बाद लोग मुझे एक बंगाली औरत जिसका नाम है दुदुन जो ऐसी है उसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में छवि बैठ जाती है कि ये प्रीतो है, अब ये पता नहीं है हमारी ऑडियंस है ऐसी, वो एक लग जाता है हमारे खुद के भी दिमाग में हो जाता है कि पता नहीं सलवार सूट वाली प्रीतो थी और अब ये बंगाली साड़ी वाली दुदुन कैसी लगेगी। मुझे खुद को भी डर लग रहा था, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स, इतना प्यार, मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहती हूँ सबको, मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे किसी ने अभी अभी एक बैग गिफ्ट किया है जिसपे दुदुन लिखा हुआ है, आई लव दैट बैग, वो इतना अच्छा जेस्चर, इतने कम टाइम में इतना प्यार दुदुन के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू थैंक यू सो मच।